मस्जिद में जाने के बाद अगर दो रकात नमाज दुखलील मस्जिद पढ़ने का मौका ना मिले और जमात का टाइम ऐसे 1-1.5 मिनट बाकी है, तो वो टाइम में क्या करे, बैठ जाए या वो तहियतुल थोड़ा मस्जिद की मुश्किल बात कर रहता रहे है। हैं आप? मैं तो नहीं रहा। जी, तहियतुल मस्जिद, हाँ जी सर। देखिए, तहियतुल मस्जिद के बारे में जो हदीस है कि इदा दखला अहदुकुम अल मस्जिदा फला यजलिसा हत्ता यसल्ली रकातैन, ये हदीस के अल्फाज हैं। इसका मतलब ये है कि जब मस्जिद में आप जब भी दाखिल हो तो जब तक 2 रकात नमाज ना पढ़ लो तब तक बैठो ना। तो बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की बात की गई है। अब जब आप मस्जिद में पहुंचे और फर्ज कीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर जमात खड़ी होने वाली है, 1 मिनट जी बाकी है, घड़ी में आपने देखा 1 मिनट का वक्त बचा है, और आप जानते हैं कि आप 1 मिनट में 2 रकात नहीं पढ़ सकते, तो आप खड़े होकर जी के इंतजार कर लीजिए। आप थोड़ी देर खड़े होकर के इंतजार कर लीजिए और जमात से नमाज पढ़िए। आपको उतनी देर में तहियतुल मस्जिद पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। और जब आप नमाज पढ़ने से पहले बैठने का आपका इरादा नहीं है तो तहियतुल मस्जिद आपकी साकित हो गई, क्योंकि अब आप फर्ज नमाज पढ़ने जा रहे हैं।